स्टूडेंट्स, अब आपको मैं बताऊंगी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, चक्रीय, यानी कि एटीपी का निर्माण लाइट की मौजूदगी में हो रहा है, लेकिन ये चक्र कैसा है? साइक्लिक है। नॉन साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन पिगमेंट सिस्टम 2 से चला था, वो पिगमेंट सिस्टम 1 में पहुंचा और आगे जाके वो उसकी खपत हो जाती है, वो वापस लौट करके नहीं आता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? नॉन साइक्लिक। साइक्लिक में जो इलेक्ट्रॉन जहां से चलेगा वहीं लौट करके वापस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, साइक्लिक चक्र में केवल पिगमेंट सिस्टम 1 भाग ले रहा है, पिगमेंट सिस्टम 2 भाग नहीं ले रहा है। पिगमेंट सिस्टम 1 में जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो P700 है, जो हायर फार रेड रीजन की लाइट अब्सॉर्ब करता है, जिसकी वेवलेंथ है 683 मिली माइक्रोन। ये फार रेड रीजन की लाइट है। और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन प्रकृति में किसके अंदर पाया जाता है? बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है, हायर प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। यहाँ से जब P700 क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करता है, एक्साइट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है FRS, फेरिडॉक्सिन रिड्यूसिंग सबस्ट्रेट FRS। यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम B6 के पास, साइटोक्रोम B6 इसको ग्रहण करता है और फिर वहां से पास कर देता है प्लास्टोक्विनोन। वहां से किसको पास कर रहा है? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन पास होता है प्लास्टोसाइनिन पर, और प्लास्टोसाइनिन से जाके वापस ये उसी पिगमेंट सिस्टम 1 में P700 के पास लौट करके आ जाता है। तो ये वापस चक्र कंप्लीट करता है, इसमें इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। प्लस इसके साथ इसमें दो स्थान पर आप देखिए, साइटोक्रोम B6 और प्लास्टोक्विनोन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन पर्याप्त ऊर्जा निकालता है, जिससे एडीपी और फॉस्फेट जुड़ के क्या बनाते हैं? एटीपी। एडीपी और फॉस्फेट जुड़ते हैं और क्या बनाते हैं? एटीपी। किस जगह पे? साइटोक्रोम B6 और प्लास्टोक्विनोन के बीच में। इसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्विनोन से प्लास्टोसाइनिन के पास में ट्रांसफर होता है, तो उस स्थान पर भी ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऊर्जा निकालता है, पर्याप्त ऊर्जा, जो एडीपी और फॉस्फेट से मिलके क्या बना रही है? एटीपी। इसलिए दो जगह पे एटीपी का निर्माण हो रहा है। अब आप गौर करके देखिए, इस पूरे साइक्लिक चक्र में दो जगह एटीपी का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। लेकिन इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, जिसमें पानी का ब्रेकडाउन होके क्या निकलती है? ऑक्सीजन। वो प्रक्रिया जो कि पिगमेंट सिस्टम 2 में होती है, और पिगमेंट सिस्टम 2 इसमें भाग नहीं ले रहा है, इसलिए यहाँ ऑक्सीजन नहीं निकल रही है। क्लियरली जब ऑक्सीजन नहीं निकलेगी तो क्या होगा? क्वांटम यील्ड एकदम गिर जाएगी। तो यही जब इमर्सन और लुइस ने जब अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेबोरेटरी में, और सिंगल सिंगल वेवलेंथ की लाइट डाल के देख रहे थे, जब उन्होंने हायर वेवलेंथ की फार रेड रीजन की लाइट डाल के देखी सिंगल, तो क्या हुआ? ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हुआ, क्योंकि 683 मिली माइक्रोन की लाइट उन्होंने डाली, तो उससे क्या हुआ? ये साइक्लिक चक्र हुआ। और साइक्लिक चक्र जब होता है तो पानी का ब्रेकडाउन नहीं होता है, ऑक्सीजन निकलती ही नहीं है, क्वांटम यील्ड एकदम से गिर जाती है, उसको कहते हैं रेड ड्रॉप इफेक्ट, और ये बैक्टीरिया में होता है साइक्लिक चक्र। लेकिन जब 8 साल बाद इमर्सन इफेक्ट, जो आपको मैंने बताया, 8 साल बाद और एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने कि ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने दो दो लाइटें डाल के देखी, तो उनको क्या मिला? एक बड़ी लाइट और एक छोटी लाइट, वेवलेंथ की लाइट जब डाली दोनों एक साथ, तो क्वांटम यील्ड एकदम से बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि उसमें जब छोटी वेवलेंथ की लाइट डाली तो कौन सी चीज इसके साथ अटैच हो गई? पिगमेंट सिस्टम 2, और पिगमेंट सिस्टम 2 के अटैच होते ही ये क्या बन जाएगा? नॉन साइक्लिक। और नॉन साइक्लिक बनेगा तो उसमें क्या होगा? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, और फोटोलाइसिस होगा तो क्या निकलेगी? ऑक्सीजन। इसलिए दो पिगमेंट सिस्टम होते हैं, नॉन साइक्लिक चक्र होता है, सिंगल पिगमेंट सिस्टम होता है तो साइक्लिक चक्र होता है, और ये केवल किसमें पाया जाता है? ये केवल बैक्टीरिया के अंदर पाया जाता है। तो इस तरीके से ये फोटोफॉस्फोराइलेशन की प्रक्रिया जो दो प्रकार की होती है, समझ गए आप लोग, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। और इसको पढ़ने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या होता है,
इमर्सन इफेक्ट क्या होता है, प्रकाश की मौजूदगी में एटीपी के निर्माण को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं, और एसिमिलेटरी पावर किसको कहते हैं, एटीपी और एनएडीपीएचटी को, जो इसमें निर्मित होती है नॉन साइक्लिक में, और वो कहाँ जाके इस्तेमाल की जाती है, डार्क रिएक्शन में, कार्बन के रिडक्शन में इस्तेमाल की जाती है। थैंक यू।